दमोह नगर पालिका के सफाई सभापति प्रतिनिधि पप्पू कसोटिया के द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा के साथ शहर के विभिन्न तालाबों में पहुंचकर वहां पर घाटों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मालूम हो कि आगामी दिनों में पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं, ऐसे में तर्पण करने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए घाटों को साफ करने के संबंध में सफाई विभाग के सभापति प्रतिनिधि के द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ निरीक्षण किया गया, साथ ही वहां पर सफाई किए जाने के निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज़। हमारे पवित्र पितृपक्ष के अभी गणेश विसर्जन के बाद पितृपक्ष चालू होने वाला है। हमारे सफाई विभाग के प्रतिनिधि भाई पप्पू कासोटिया जी ने आज सुबह दमोह शहर के सभी घाटों का निरीक्षण किया और इन घाटों के निरीक्षण के दौरान जहाँ जहाँ लोग अपने पितरों को तर्पण करते हैं, पानी देते हैं, उनकी सफाई व्यवस्था देखी, जिसमें पुरैना तालाब का जगदीश घाट, फुटेरा तालाब और ये बेलाताल का तालाब है। अभी हम लोगों ने आके देखा, यहाँ बहुत कचरा पड़ा है और जलकुंभी भी फैली है पूरे में और ये घाट पर भी कचरा फैला है। आज सफाई विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है और साथ में हमारे सफाई के जो प्रभारी हैं विक्की भैया, उनने भी इस स्थल का निरीक्षण किया है और हम लोग स्वयं श्रमदान भी करेंगे यहाँ पे आके और अति शीघ्र इस घाट की सफाई करेंगे ताकि जो लोग यहाँ अपने पितरों को तर्पण करने आते हैं, पानी देते हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, साफ सफाई बराबर बनी रहे। साथ ही मैं दमोह शहर के नागरिकों से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं इनको अपना सहयोग दें, क्योंकि अकेले नगर पालिका के जिम्मेदारी से सफाई नहीं रहेगी। हम अगर कचरा नहीं फेंकेंगे तो ये सफाई व्यवस्था सही बनी रहेगी। तो दमोह शहर के जो हमारे शहरवासी हैं, नागरिक हैं, वो भी इसमें सहयोग करें और हमारे सभापति के साथ हम लोग भी जब हमारे सफाई कर्मचारी इसमें श्रमदान करेंगे तो हम लोग भी आके उनका सहयोग करेंगे। घाट की सफाई में सभी घाटों को साफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे और साथ साथ गणेश विसर्जन में भी लोग अपने बच्चों के साथ आएँ तो छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखें, ये मेरी अपील है उन सभी से। घाटों पर आकर अपने संबंधित बुजुर्गों को और घर वालों को पानी देते हैं, लेकिन अभी व्यवस्थाएँ जो पूर्व में थी बहुत ख़राब हैं। इन स्थानों पर तालाबों पर उसी का मुआयना करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी और मैं और हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मनु दादाजी साथ में आए हुए हैं। जितना अच्छे से अच्छा हो सके अच्छा काम करना है, जिससे लोगों को खुशी हो कि नई परिषद में अच्छे काम हो रहे हैं और यही हम लोग सभी से आशा रखते हैं कि सभी मिलकर हम लोगों का सहयोग करें, जिससे स्वच्छ सुंदर हम दमोह बना सकें। धन्यवाद।